न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। चोरों के आतंक से पूरा मानगो बस स्टैंड परेशान, शंकर पार्वती बस को क्षतिग्रस्त कर किया सामानों की चोरी। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत मानगो बस स्टैंड में शनिवार की रात कुछ अज्ञात चोरों ने शंकर पार्वती बस में अपना हिसाब किताब करके इसको रेडी चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसमें डीजल की टंकी पूरा डीजल गाड़ी से बाहर और तारों की भी कटाई कर दी, जिससे आज सुबह धनबाद जाने वाली बस में बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। चोरों ने बस का एयर पाइप काट दिया, जिससे बस का ब्रेक फेल हो गया। वह तो ड्राइवर की समझदारी से किसी तरह की कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन इसको लेकर बस मालिकों में काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि प्रशासन के तरफ से किसी तरह की सहायता उन्हें नहीं मिल रही है, जिसको लेकर बस मालिकों ने आज जनसी का पार्किंग शुल्क भी देने से मना कर दिया। मुख्य बिंदु ये है कि हमारे ये बस स्टैंड को बोला जाता है पुरलिया बस स्टैंड मानगो। हम लोग के बस स्टैंड में चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिन में तो परेशानी होता ही है, रुक रुक के यात्रियों का लैपटॉप बैग वगैरह लेके भाग जाता है, जिसके चलते हमारे बस के कर्मचारी बस मालिक सब परेशान होते हैं। लेकिन अभी समस्या ये खड़ा हो गया है कि रात को बस को नंगा कर दिया जाता है, तार बैटरी सेल्फ डायनेमो खिड़की वगैरह सब चोरी करके ले जाता है। जहाँ तक पता चलता है वो चोर लोग जो है वो लोग आते हैं नशे की हालत में। हमारे बस के सोया हुआ कर्मचारी अगर जगता भी है तो वो लोग चाकू धारदार भुजाली क्या क्या निकाल के दिखाता है, वो लोग नशा में रहता है। और ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग जो अग्रिम बुकिंग करते हैं कि ये गाड़ी कल सुबह भागलपुर जाएगी, दुमका जाएगी, देवघर जाएगी, लेकिन सुबह कई दिन से ऐसा लगातार होते जा रहा है कि सुबह आता है ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तो और गाड़ी का ब्रेक खत्म, कहने पाइप काट लेता है, डीजल ड्राइव कर देता है पाइप काट के, हवा पाइप काट देने के चलते ब्रेक नहीं लेता है। कई दिन से बाल बाल बच्चा है, लुढ़कते लुढ़कते गाड़ी, उसमें 10-20 को आदमी की जान भी जा सकता है। अच्छा, अभी ऐसा समस्या आ गया है, बस के कर्मचारी अगर यदि अलर्ट होगा कि चोरी पर अंकुश लगाएंगे, हम इतना क्षति मालिक को नहीं होने देंगे, तो अब आज रक्षार्थ उसको भी कुछ लाठी हाथ में रखना होगा, यही होगा, जीवन और मौत का समस्या आ गया है। रही बात की इसकी उचित माध्यम में सूचित करना चाहिए, जिसका जरिया हम लोग समझ के इसका सारा जिम्मेवारी बनता है, पार्किंग का रोज शुल्क लेता है। JNSC के पदाधिकारी JNSC को हम लोग लिखित दिए हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट को विशेष पदाधिकारी को लिखित कल भी दिए हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाए, उचित इंतजाम किया जाए। अभी तक कोई पहल हुआ नहीं है। हम लोग को लास्ट में यही उपाय है कि जब पार्किंग शुल्क लेते हैं तो इतना चोरियों और इतना घटनाओं की उनकी सुरक्षा की भी तो जिम्मेवारी बनती है। आगे हम ये भी बोलना चाहेंगे कि पार्किंग का जब टेंडर निकला था तो इन्होंने ऐसा ऐसा कंडीशन दिया था कि ठेकेदार को सुरक्षा मुहैया कराना होगा, पहरेदार रखना होगा, ये करना होगा, साफ करना होगा, सफाई करना होगा। आज 6 महीना से ठेकेदारी प्रथा हटा के स्वयं पैसा जब वसूली कर रहे हैं पार्किंग का, तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेवारी लेने वाला कौन होगा? ये अब अभी रही की बात कि हम लोग उत्तेजित हो गया, आज सुबह जो 2-3 को गाड़ी जब रद्द हो गया तो हम लोग पार्किंग का शुल्क देना बंद कर दिए थे, तो सुनने में आया कि फ़ोन में संपर्क में आए हमारे शंकर पार्वती की बस के मालिक विशाल कुमार दुबे से, जो हमारे सिटी मैनेजर है JNSC का, और सिटी मैनेजर आश्वासन दिए कि बोला हम देखते हैं क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और दीवार टूट गया समय खबर नहीं है। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है कि इनको सारे चीज़ भाली भांति से देखने की जिम्मेवारी है। दिन भर हजारों रुपया का कलेक्शन होता है, आप वसूली में वो गाड़ी को चाहिए है, दिन भर हजारों रुपया का कलेक्शन होता है, आप वसूली में वो गाड़ी को छूट नहीं जाता, इतना बड़ा दीवार आपका गिर गया आपको खबर नहीं है, तब आप इस बस स्टैंड में सफाई क्या करवाते हैं, अन्य काम क्या कराते हैं? तो ये तो हालत है। अभी हम लोग इस परिस्थिति में आ गए हैं कि हम लोग को आंदोलन में उतर के ही इसका कोई विकल्प निकालना पड़ेगा। अगर विकल्प नहीं निकालेंगे तो इसमें अब जीवन और मौत का सवाल आ गया है। बस के स्टाफ चोर को अगर रोकना चाहेंगे चोरी से, तो या तो मरना होगा या तो मारना पड़ेगा। काहे वो लोग नशे में रहते हैं, सुनने में बाज नहीं आ रहे हैं, लोग बाज तो आएंगे नहीं, यही हालात है बस स्टैंड की। CCTV कैमरे भी लगे हैं क्या? नहीं, अभी सुचारू नहीं है। ठेकेदारी व्यवस्था था तो उसमें प्राइवेट तरफ से ठेकेदार का जिम्मेवारी बनता था, अब पार्किंग का शुल्क बढ़ गया है, व्यवस्था खत्म हो गया है, कैमरे पूरी तरह ध्वस्त है। हमको जहाँ तक है सब कैमरे कारगर नहीं है,
जबकि कैमरे कारगर होना चाहिए, ये नीति ठेकेदारी कर देते समय भी बना हुआ था और सुचारू हो भी गया था, लेकिन ठेकेदारी में अभी है नहीं तो ये व्यवस्था सब लचर बचर। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है और शंकर पार्वती बसों का संचालक हूँ मैं, मेरे देख देख से गाड़ियाँ चलती हैं।